इस मौकफ पे कि जलसा करेंगे और चेयरिंग क्रॉस पर ही करेंगे, जबकि इजाजत नहीं मिल सकी इस जलसे के हवाले से। इंतजामिया और पीटीआई के दरमियान जो मुजाकरात हुए थे वो भी नाकाम हो गए हैं। मियां आसिफ अली से मजीद बात करेंगे। आसिफ बताएगा क्या तफसीलात हैं, इजाजत अभी नहीं मिली और तहरीक इंसाफ अपने मौकफ पर कायम है। जी फाना, ये तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे के लिए दरख्वास्त दी गई थी जिले इंतजामिया को, ने कहा गया था कि हम चेयरिंग क्रॉस पे जलसा करना चाहते हैं, इस हवाले से हमें इजाजत दी जाए, सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। मियां असलम इकबाल एमपीए हैं तहरीक इंसाफ के, जिनकी तरफ से बाकायदा तौर पर ये एक दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर गुज़िश्ता रात ही पहले से एक लेटर लिख दिया गया था जिले इंतजामिया की जानिब से। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक तो यहाँ पर दफा 144 नाफिज है, दूसरा इमरान खान की जो जात है, उनकी जो जिंदगी है, उनको भी खतरात लाहक हैं दहशत गर्दों की जानिब से, इसलिए यहाँ पर इजाजत नहीं दी जाएगी। जिसके बाद आज दोपहर 2 बजे मुजाकरात भी रखे गए थे, मुजाकरात भी मनसूख कर दिए गए हैं और दिल्ली इंतजामिया ने वाजे तौर पर कह दिया पीटीआई से कि वो वेन्यू चेंज करें, फिर ही अगली बात होगी। जी इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। मियां आसिफ अली हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।